Hello everyone, I am Reeta Pandey. I am from SVIFS Institute of Forensic Science. Today I will tell you about question document. Before starting this, we should know what is document. Document is anything written on wall, paper, stone, wood, etc. Now question document. Question document are those documents whose authenticity is not defined or doubtful. ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी ऑथेंटिसिटी ही डिफाइन ना हो वो डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं. अ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट रिफर्स टू एनी सिग्नेचर, हैंडराइटिंग, टाइपराइटिंग और अदर मार्क वो सोर्स और ऑथेंटिसिटी इज इन डिस्प्यूट और डाउटफुल. ये मेरे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि लेटर, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, कॉन्ट्रैक्ट, विल्स, वोटर रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, थ्रेटनिंग लेटर्स, सुसाइड नोट, लॉटरी टिकट्स एंड मार्क्स ऑन डोर्स, walls, windows or boards, etc. क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के मेनी केसेस आते हैं, जैसे कि अगर सुसाइड का केस आता है, सुसाइड के केस में अगर हमें सुसाइड नोट मिला है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो सुसाइड नोट है वो उसी पर्सन ने लिखा है जैसे सुसाइड किया है. तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम आइडेंटिफाई करते हैं. ये सारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं. उसके बाद देर आर मेनी टाइप्स के क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, लेटर्स, रिकॉर्ड्स, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, पार्शियली बर्न डॉक्यूमेंट और कोई पोस्टर हो सकता है, एक्सेट. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड पोजिशन ऑफ अ बिजनेस पर्सन और अदर एंटिटी. Relevant financial information is presented in a structured manner and in a form easy to understand. Financial document वो document होते हैं जो कि money से related होते हैं. Financial document हम normally जितने भी document use करते हैं वो सारे financial document की category में हो सकते हैं. ये जैसे कि कोई banking document हो सकते हैं, जैसे कि draft, currency notes, अकाउंट बुक्स, मनी रिसिप्ट, पेमेंट ऑर्डर, टेंडर्स, कोई जर्नी टिकट्स हो सकता है, लॉटरी टिकट्स हो सकता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी कोई बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं. ये सारे भी जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड होते हैं सारे ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट जितने भी गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे ही एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं. द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स सच एज ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, ट्रांसफर लेटर, ट्रेनिंग, प्रमोशन, इंक्रीमेंट्स, लीव्स, एक्सेट्रा. इट मे बी परमिट और लाइसेंस फॉर परचेस, सेल, एक्सेट्रा. एप्लीकेशन लेटर, कंप्लेन्स, डिफेंस डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, इंश्योरेंस पेपर्स, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल, बर्थ, डेथ, कास्ट सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एक्सेट्रा. ये सारे डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखते हैं. जितने भी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सारे ही इस कैटेगरी में आते हैं. इनसे रिलेटेड भी लोग काफी फ्रॉड करते हैं, जैसे कि नकली पासपोर्ट बना के और नकली डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट बना के. तो ये सारे ही क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखे जाएंगे और इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है. नाउ एजुकेशन डॉक्यूमेंट. An academic certificate is a document that certifies that a person has received specific education or has passed a test or series of a test. Educational document वो होते हैं जब हम कोई special education receive करते हैं तो उनका हमें कोई certificate मिलता है, कोई degree मिलती है. जितने भी होते हैं सारे educational document की category में रखे जाते हैं, जैसे कि कोई marksheet हो गई, degree हो गई, merit certificate हो गया, call letter हो गया, transfer certificate हो गया, migration certificate हो गया, appreciation लेटर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन पेपर एंड आंसर बुक. जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि अपनी एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं और या कोई पेपर होता है, आंसर बुक्स होती हैं, सारे ही एजुकेशनल डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं. लोग इसका भी काफी गलत यूज करते हैं, जैसे कि नकली मार्कशीट लगा के एडमिशन लेते हैं या फिर किसी जॉब वॉब में एंट्री लेते हैं कोई नकली सर्टिफिकेट लगा के. ये सारे भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डॉक्यूमेंट रियल है या फेक. नाउ लेटर्स. लेटर्स
लेटर्स, लेटर मेनी टाइप के हो सकते हैं, कोई ऑफिशियल लेटर हो सकता है, इंडिविजुअल लेटर हो सकता है, कोई बिजनेस लेटर हो सकते हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करते हैं. एग्जाम्पल ऑफिशियल, इंडिविजुअल और बिजनेस लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, सुसाइड लेटर, थ्रेटनिंग लेटर, एक्सेट्रा. समटाइम इट मे बी अ कमेंट ऑन अ लेटर, सीक्रेट और कोड राइटिंग. लेटर हम नॉर्मली यूज करते हैं मेनी प्लेसेस पे. ये कोई सुसाइड लेटर भी हो सकता है, थ्रेटनिंग का लेटर हो सकता है, ये हो सकता है. कभी कभी हम लोग इसे सीक्रेट फॉर्म में भी यूज करते हैं, सीक्रेट कोड राइटिंग में, जो कि हम आइडेंटिफाई करते हैं मेन केसेस में. जैसे कि कोई थ्रेटनिंग का केस हो गया तो उसमें जो लेटर आता है हमें, तो हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो राइटिंग है वो किसने लिखी है, या फिर वो राइटिंग जो लिखी गई है वो किस टाइप की है, किस टाइप का पर्सन हो सकता है जिसने इस टाइप के डॉक्यूमेंट लिखा है या जो भी. नाउ रिकॉर्ड्स. रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन रूटीन ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस और इन परसुएंस ऑफ इट्स लीगल ऑब्लिगेशन. रिकॉर्ड्स मेनी टाइप के हो सकते हैं. दे मे बी अ पेपर ऑफ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स, परचेस, कंजप्शन, स्टोर्स, एक्सेट्रा. ये हो सकता है किसी सेल का रिकॉर्ड हो सकता है, किसी स्टोर का रिकॉर्ड हो सकता है, हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड हो सकता है. तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो होते हैं हमें काफी संभाल के रखे जाते हैं. लोग इसमें भी गड़बड़ी करते हैं. जैसे कि हो सकता है कोई पर्सन अभी के रिकॉर्ड्स को पुराना बताने की कोशिश करे, या फिर उनके साथ गड़बड़ी करे, एक्सेट्रा. मनी में भी ये लोग इधर उधर कर देते हैं रिकॉर्ड्स को, तो हम रिकॉर्ड्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं. नॉन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स. Historical documents are documents that contain important information about the person, place or event. Historical document वो document होते हैं जो कि एक important information gain करके रखते हैं. वो किसी place की हो सकती है, किसी person की हो सकती है, etc. ठीक है, such document include letter हो सकता है, कोई order हो सकता है, किसी की autobiography हो सकती है, and other historical paper हो सकते हैं. Signed or written by some great and famous personalities. हो सकता है कि वो किस document किसी famous personality द्वारा साइन किया गया हो. ठीक है, सिंस सच डॉक्यूमेंट हैव अ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस एंड पे फैंटास्टिक प्राइस, हैज वेरी ऑफन बीन फर्स्ट. हो सकता है ये इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा हो, उन लोगों ने इसे या तो चुरा लिया हो या फिर फर्स्ट किया हो. नाउ पार्शियली बर्न डॉक्यूमेंट. पार्शियली बर्न डॉक्यूमेंट, सच डॉक्यूमेंट आर रिकवर्ड इन केसेस ऑफ आर्सन एंड फायर. समटाइम्स व्हेन द क्रिमिनल फाइंड डॉक्यूमेंट्स विच कुड बी एविडेंस अगेंस्ट हिम, ही ट्राइज टू डिस्ट्रॉय देम बाय फायर. इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, करेंसी नोट्स, नोटबुक्स, डायरीज आर डिस्ट्रॉयड फॉर मेलिशियस इंटेंशन. पार्शियली बर्न डॉक्यूमेंट, हो सकता है कोई पर्सन का उसमें कुछ रिकॉर्ड रहा हो जो कि हमें एविडेंस में हेल्प करे, ऐसे डॉक्यूमेंट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया हो. ये डॉक्यूमेंट हो सकता है कोई करेंसी नोट हो, नोटबुक हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कोई डायरी हो जो कि जिसको डिस्ट्रॉय कर चुका हो. ये डॉक्यूमेंट भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. इस जितने भी कॉशन डॉक्यूमेंट होते हैं ये काफी केसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं. जैसे कि बिजनेस का फ्रॉड, बिजनेस फ्रॉड केसेस आते हैं, बैंक फ्रॉड केसेस आते हैं, प्यूटेड प्रॉपर्टी के केसेस आते हैं, एजुकेशन फ्रॉड के केसेस आते हैं. बिजनेस फ्रॉड के केसेस जैसे कि कोई लोग क्या करते हैं, बिजनेस में भी नकली या फेक पेपर्स लगा देते हैं जो कि उनको भी आइडेंटिफाई लोग करवाते हैं. बैंक फ्रॉड में लोग क्या करते हैं, बैंक में नकली डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं. जैसे कि उसने नकली प्रॉपर्टी के पेपर्स लगा दिए, या फिर हो सकता है कोई चेकबुक में ही गड़बड़ी कर रहा हो, किसी और की चेकबुक लगा दी हो या उस पर नकली साइन कर दिए हो. ये सारे बैंक से रिलेटेड फ्रॉड होते हैं. डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के केसेस आते हैं, पर्सन क्या करते हैं दूसरे की प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए एक ही प्रॉपर्टी पे दो तीन बार एंट्री करा लेते हैं, उसके अलावा वो दूसरे की साइन भी फॉर्ज करा लेते हैं. तो ये सारे केसेस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आते हैं. एजुकेशन फ्रॉड में क्या होता है, लोग एजुकेशन के लिए या किसी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए लोग डॉक्यूमेंट को फ्रॉड करते हैं, कोई एजुकेशन डॉक्यूमेंट को कोई फ्रॉड डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को भी हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. ये सारे डॉक्यूमेंट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में आते हैं. थैंक यू.